हाँ। और अभी पानी बढ़ाओ मैडम, ऊपर मैडम, राइट ऊपर नहीं, नीचे देखना, सब नीचे खड़े। Actually, I'm here to promote PETA's concept wherein they ask all the, wherein they request all the consumer not to use those products which are tested on the animals first. So this is the whole concept. We are trying to show as if this is a blood, this is a blood of animals, because we are buying products which are first tested on animals. We are buying these things on the cost of some other animals, their pain. So we should avoid these things, and we should go with those products which do not test it on animal. So this is the whole idea. मेरा जो ये कॉन्सेप्ट है, इसके जरिए पीटा सबको बताना चाहता है कि जो हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जो कॉस्मेटिक्स यूज होते हैं, वो पहले सबसे पहले वो किसी एनिमल पे, किसी रैबिट पे यूज किया जा रहा है, उसके बाद ये हम लोग यूज करते हैं. सो वी आर लुकिंग, वी आर ट्राइंग टू लुक ब्यूटिफुल, और हमें ये पता नहीं होता है कि ये किसी की जान गई है इसके पीछे, और कितना ब्लड है इसके पीछे. तो वी शुड ऑलवेज सी टू इट कि हम कोई आयुर्वेदिक, या वी शुड यूज दोज प्रोडक्ट्स जो जिन लोगों ने इसको टेस्टिंग नहीं किया है एनिमल्स पे. सो ये कॉन्सेप्ट है पूरा. जैसे कि बॉडी शॉप है, दे डोंट टेस्ट इट ऑन एनिमल. तो इस तरह के और भी लश है, इस तरह के और भी प्रोडक्ट्स हैं जो एनिमल पर टेस्टिंग नहीं होती है.